नमस्कार साथियों, हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। एग्जामपुर की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिस इज पूजा, योर केमिस्ट्री मेंटर, एंड आई एम टीचिंग यू केमिस्ट्री फॉर योर 2023 एग्जाम। जल्दी से सभी लोग आइएगा, फटाफट से जुड़ जाइएगा, उसके बाद शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली में ज़्यादा समय खराब भी मत करना, पढ़ाई कर लेना, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड किया जाए। तो अपना फ़ोन उठाइए, अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए एग्जामपुर, वहाँ पर लोगों के साथ, एग्जामपुर के लोगों के साथ आपको दिख जाएगा, आप पहचान जाएंगे, उसको आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए मांगेगा वो कुछ डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, इन सभी डिटेल्स को वहाँ पर फिल करने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ इस तरीके का पोर्टल जो है आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी जो है ऑप्शंस नजर आएंगे। फ्री कोर्सेज का जो सेक्शन है वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर जो है आपको पीडीएफ मिलेगी जो भी आपके यूट्यूब की क्लासेस होती है उन सभी की। और पेड कोर्सेज के सेक्शन में आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में सभी लाइव क्लासेस मिलेगी, जो भी कोर्स आपने परचेज किया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का बहुत ही तगड़ा फायदा है, वो क्या है, वो ये है कि बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, और जो पेड कोर्सेज भी है, अगर मार्केट में आप कहीं से भी उनका कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे और ये बात एनालाइज कर पाएंगे कि बाकी सभी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में एग्जामपुर आपको देता है बहुत ही सस्ता पेड कोर्स। और यहां पर हमारे पास एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज है जिन्होंने बहुत सिलेक्शंस दिए हैं, और साथ ही साथ क्या है, सभी पेपर की हम तैयारी कराते हैं, जैसे कि चाहे आपका बैंक हो, ठीक है, बैंक पीओ हो, सीजीएल हो, है ना, इनकम टैक्स में आप लगना चाहते हैं, टीचर आप बनना चाहते हैं, आईएएस आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, हर पेपर का जो है आपको यहाँ पर पर्टिकुलर जो है स्ट्रक्चर्ड मैनर में बहुत बढ़िया ढंग से सारी चीज़ें अरेंज्ड मैनर में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, आपके जो भाई बंधु सगे संबंधी हैं उनको भी बोलिए ये चीज़ कि वो लोग भी क्या करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का कष्ट उठाए, उन्हीं का ही फायदा है। तो आप देख रहे हैं मुझे, आपके प्यारे चैनल लीड जेई क्लासेस बाय एग्जामपुर पर, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी को। और आज की कहानी को शुरू करने से पहले फिर से वही, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और इसी उपलक्ष में दिवाली के शुभ अवसर पर एग्जामपुर आपको दे रहा है 75% का ऑफ अपने सभी कोर्सेज पर, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक कोड अप्लाई करना होगा। और कोड क्या होगा, कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे दिवाली, DIWALI75। ऐसा लिखकर जो है इस कोड को अप्लाई करके आप कोई भी कोर्स परचेज कर लीजिए, 75% का ऑफ आपको देगा एग्जामपुर। तो ये आपका दिवाली का जो है तोहफा है एग्जामपुर की तरफ से। और अब पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो पहले सवाल को करने की कृपा कीजिए। देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहला सवाल कहता है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑन कंडक्शन इज एज फॉलोज। तापमान में अगर आप वृद्धि करें तो उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा चालन पर। तापमान में अगर आप वृद्धि करते हैं तो चालन पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये आपसे पूछने की कोशिश हुई है। मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का टेम्परेचर डिपेंडेंस आपसे जो है पूछना चाह रहे, तो इसका जवाब कौन देगा मुझे, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। देखो जरा क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है कि टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगा, सवाल कहता है कि टेम्परेचर जो है कैसे डिपेंड करेगा, तापमान जो है आपका, टेम्परेचर, टेम्परेचर की डिपेंडेंस पूछी है। क्या पूछा है आपसे, टेम्परेचर की डिपेंडेंस पूछी है, कहाँ पर, धात्विक चालन पर और कहाँ पर, मेटालिक कंडक्शन पर, मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और मैंने आपको समझाई है ये चीज़, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आयंस होते हैं, तो जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे आयंस का घूमना फिरना शुरू हो जाएगा, आयंस जो है आपके बहुत तेजी के साथ घूमने फिरने लगेंगे। जब वो बहुत तेजी के साथ घूमने फिरने लगेंगे तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो कंडक्शन बढ़ जाएगा। बताया गया है आपको कि चालन
क्या जो निर्भरता है ना, चालन किस चीज पर डिपेंड करता है, तो वो तो डिपेंड ही इस चीज के ऊपर करता है कि कितने नंबर ऑफ आयंस है वहां पर सॉल्यूशन में और कितनी तेज गति से घूम रहे हैं। तो जितने ज्यादा तेज गति से घूमेंगे उतना ही ज्यादा कंडक्शन हो जाएगा। तो यहां पर जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तापमान के साथ बढ़ता है। दूसरी तरफ आता है मेटालिक कंडक्शन, और मेटालिक कंडक्शन में आप जानते हैं एक धातु होता है और उस धातु के साथ क्या है, उस धातु के साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटालिक कंडक्शन के केस में मैंने आपको समझाया है इस तरीके से, अगर क्रिस्टल है, यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, फिर मेटल है, फिर इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से सभी अरेंज्ड है, इस तरीके से सभी अरेंज्ड है। तो जैसे ही आप तापमान को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशन बढ़ेगी। ये जो है क्रिस्टल में से अपनी जगह तो छोड़कर जा नहीं सकते, वाइब्रेशन बढ़ेगी। वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इधर से घुसकर इधर से निकल पा रहा था, है ना, उसमें भी जो है दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी, उसमें भी अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। और इस कारणवश क्या होगा, इस कारणवश जो है आपका कंडक्शन घटेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ेगा और मेटालिक कंडक्शन घटेगा, ये बात जहां पर भी लिखी हुई है वही वाला ऑप्शन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया उसका जवाब सही है, ऑप्शन नंबर बी वालों का जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, और पहले सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, और बी जो है वो बिल्कुल ही सही जवाब है, काबिले तारीफ है बी वालों का जवाब। अगला सवाल देखिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्शन, तनुकरण करने का चालन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तनुकरण करने का चालन पर प्रभाव बताइए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बताइए। किस किस के बारे में पूछ रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पूछ रहा है, मोलर कंडक्टेंस के बारे में पूछ रहा है, काप्पा के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, और किसके ऊपर पूछ रहा है, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम के ऊपर, लैम्डा एम के ऊपर। तो आपको बताया था, पढ़ाया था आपको कि जो आपका लैम्डा एम है वो किसके बराबर होगा, 1000 इंटू काप्पा बाय एम के बराबर होगा। जब आप डाइल्यूशन करेंगे, तनुकरण करेंगे, तो फिर आपका काप्पा क्या करता है, डिक्रीज करता है, ये आपका डिक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस, आयनों की संख्या प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, घट जाती है ना, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस घट जाते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस घट जाएंगे तो आपका जो काप्पा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आपका जो काप्पा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो काप्पा का डिक्रीमेंट है ना, कि कब होगा, तो काप्पा का डिक्रीमेंट होगा तनुकरण करने पर, ये दोनों ही घटते हैं लेकिन इसकी रफ्तार घटने की ज्यादा होती है। ये जब आपको पढ़ाया था तो समझाया था कि कंसंट्रेशन में जो डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसी कारणवश ये जो रेशियो है इसका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कि जो आपका लैम्डा एम है ये तनुकरण करने पर बढ़ जाएगा, लैम्डा एम जो है मोलर कंडक्टेंस जो है तनुकरण करने पर बढ़ जाएगा। तो इसमें से बता दो जरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, काप्पा का डिक्रीमेंट और मोलर कंडक्टेंस का इंक्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी वालों का जवाब बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल ही सही जवाब दिया, बिल्कुल ही सही है ऑप्शन नंबर बी वालों का। तो फटाफट से अगला सवाल करिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से बताइए इसका जवाब क्या होगा, क्या होगा इसका जवाब फटाफट से। तीसरा सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब देने की कृपा करें, फटाफट से बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका जवाब देने की कृपा करें, बताइए क्या पूछता है, पूछता है आपसे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताइए NaCl सॉल्यूशन में, एक्वस NaCl में, किसमें पूछ रहा है, एक्वस NaCl में पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पानी है, एक्वस है तो पानी रहा होगा उसके साथ, है ना, H2O के साथ क्या है, NaCl है, H2O के साथ क्या है, NaCl है, तो H2O में आपको क्या मिलेगा, H+ OH- इसमें क्या मिलेगा, Na+ और Cl-, ठीक है।
अब देखो, अब आपके पास H प्लस भी है, आपके पास Na प्लस भी है, इधर आपके पास OH माइनस भी है और Cl माइनस भी है। अब कौन जाएगा रिएक्शन करने, अब कौन जाएगा रिएक्शन करने, तो यहां पर जो है H प्लस और Na प्लस में तो जाएगा H प्लस, है ना, ये जाएगा आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका कौन सा होता है, कैथोड, रिडक्शन करने के लिए जाएगा कैथोड के पास, और यहां पर कौन जाएगा, तो यहां पर OH माइनस जाएगा, यहां पर OH माइनस जाएगा, इन दोनों में जब कंपटीशन होगा तो OH माइनस जीत जाएगा, और ये आपको मिलेगी हाइड्रोजन मिलेगी कैथोड पर और ऑक्सीजन मिलेगी एनोड पर। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो काम करना बंद कर देता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो काम करना बंद कर देता है कुछ वक्त के बाद, ऐसा क्यों होता है, कौन बताना चाहेगा, बताइए क्यों होता है ऐसा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करना बंद कर देता है कुछ वक्त के बाद, ऐसा किस कारणवश होता है, बताओ। वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ईटन अवे, एक इलेक्ट्रोड जो है खत्म हो गया, इस कारण से हो रहा हो। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड का बराबर हो गया हो, इस कारणवश हो रहा हो कि सेल ने काम करना बंद कर दिया है। तीसरा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड का घट रहा है, इस वजह से काम करना बंद कर देता है। और चौथा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड का बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड का बढ़ रहा है, तो इनमें से जो है कौन सी ऐसी बात होगी जो सही लिखी हुई है। तो हम सभी जानते हैं ये हमारे दो हाफ सेल होते हैं और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा विद्युत वाहक बल है, वही हमारा ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो वही हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है, जो किसके बारे में बात करता है, डिफरेंस इन पोटेंशियल के बारे में बात करता है, डिफरेंस इन पोटेंशियल के बारे में बात करता है। इन दोनों बीकर के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर ही ईएमएफ होता है, और वही हमें ऊपर यहां पर रीडिंग देता है गैल्वेनोमीटर की, वही हमें ऊपर यहां पर रीडिंग देता है गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो तभी मिलेगा जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर इन दोनों हाफ सेल में पोटेंशियल बराबर हो जाए, अगर इन दोनों ही हाफ सेल में पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो दोनों हाफ सेल का पोटेंशियल बराबर होने से ये सेल काम करना बंद कर देगा। दोनों हाफ सेल का पोटेंशियल बराबर होने से ये सेल जो है ये काम करना बंद कर देगा। और ये बात कहां लिखी हुई है, ये लिखी है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल ही सही जवाब है। जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी वालों का जो जवाब है वो बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर बी वालों का जवाब बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर बी वाले इसका मतलब बढ़िया जा रहे हैं एकदम। अगला देखो, लेड स्टोरेज बैटरी को अगर डिस्चार्ज किया जाए, लेड स्टोरेज बैटरी को अगर आप डिस्चार्ज करते हैं, तो इनमें से कौन सी बात सही लिखी हुई है, SO2 निकलेगी, लेड सल्फेट कंज्यूम होगा, लेड बनेगा या सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होगा, इनमें से कौन सी बात सही है। अगर आप लेड स्टोरेज बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो SO2 निकलेगी, SO2 इवॉल्व होगी, लेड सल्फेट कंज्यूम होगा, लेड बनेगा या सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, बता दीजिए फटाफट से बताइएगा। लेड स्टोरेज बैटरी अगर डिस्चार्ज होती है तो इनमें से क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं एसिड यूज होगी, लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होगी तो क्या होगी, एसिड यूज होगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है और डी वालों का जवाब भी बिल्कुल सही है। तो जिसने दिया है डी ऑप्शन उनका सही है, डी वालों का जवाब बिल्कुल ही सही, तारीफ के काबिल है। अगला सवाल देखिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट फॉर द हाफ रिएक्शन। आपको क्या दिया है, आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और आपसे पूछा है ईएमएफ बताओ इस सेल का क्या होगा। आपको ये दिया है, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है ई नॉट किसका, जिंक से जिंक 2+ के कन्वर्जन का, कितना दिया है -0.76 वोल्ट, है ना। और इधर क्या दिया है आपको, E नॉट दिया है Fe2+ के कन्वर्जन का, और ये आपको दिया है 0.41 वोल्ट। ये आपको कितना दिया है, 0.41 वोल्ट दिया है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब देखो क्या पूछता है आपसे, मैंने आपको सिखाया है जैसे आपकी सेल रिएक्शन लिखी हुई है,
जैसे आपकी सेल रिएक्शन लिखी हुई है ठीक उसी अवस्था में, जैसे सेल रिएक्शन लिखी हुई है ठीक उसी अवस्था में आप क्या करेंगे, ई नॉट को ऐड कर देंगे। तो ये आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे के ऐसे ऐड करो, एफ ई टू प्लस जो है वो एफ ई में बदल रहा है, तो आपको ई नॉट किसका चाहिए, एफ ई टू प्लस टू एफ ई का चाहिए, उसके अंदर ऐड करो, जिंक से जेड एन टू प्लस में जा रहा है, जिंक से जेड एन टू प्लस में जा रहा है, तो ई नॉट जेड एन से जेड एन टू प्लस का, ई नॉट जेड एन से जेड एन टू प्लस का, और यहाँ से आपका आ जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आ जाएगा ई नॉट सेल, तो एफ ई टू प्लस से एफ ई का चाहिए, ये आपको एफ ई से एफ ई टू प्लस दिया है, इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा कर लो, तो माइनस 0.41 माइनस 0.41 और ये आ गया 0.76, ये आ गया प्लस का 0.76, तो 0.76 में से माइनस कर दीजिए 0.41, तो क्या आ जाएगा 0.35, 0.35 जहां पर है सही है, और बी ऑप्शन में सही है, बी ऑप्शन में बिल्कुल ही सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये जो आपका ईएमएफ होगा इसका वो क्या होगा, तो ईएमएफ होगा 0.35, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला देखिए, अगला देखिए, द रिएक्शन टू एफ ई सी एल थ्री प्लस एस एन सी एल टू गिव्स टू एफ ई सी एल टू प्लस एस एन सी एल फोर, ये कौन सी है ना, कौन से ऑर्डर की ये रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर की ये रिएक्शन है, आपसे कोटि पूछी गई है, आपसे क्या पूछी गई है, अभिक्रिया दी है, आपसे कोटि पूछी गई है, तो कुछ नहीं करना, बस देखना है, क्या देखना है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, जो आपके अभिकारक हैं, उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, बस उसको आप देख लीजिए और वहां से आप ऑर्डर बता सकते हैं, वहां से आप उनको ऐड कर लो, ऑर्डर बता दोगे। तो देखो अब इसके लिए अगर ये दी है तो आप रेट को कैसे लिखोगे, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ एफ ई सी एल थ्री की पावर टू, है ना, इसी के बेसिस पे लिखोगे जो आपको दिया है, एस एन सी एल टू की पावर वन, ऐसा ही लिखोगे, ऐसा ही लिखोगे, तो किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो टू प्लस वन थर्ड ऑर्डर की, किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ये थर्ड ऑर्डर की, कोटि क्या होगी इस अभिक्रिया की, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी तीन, इस अभिक्रिया की कोटि होगी तीन, ये एक थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, क्या होगी, ये एक थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अगला देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अंडरलाइंड प्रोडक्ट रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अंडरलाइंड रिएक्टेंट। इसमें आपको बताना है कि ये जो चार बातें, चार ऑप्शन आपको लिखे गए हैं, इनमें से जो है कौन सा सही है ना, घटने की दर किसकी होगी, अभिकारक की होगी, और बढ़ने की दर किसकी दी होगी, उत्पाद की दी होगी, तो अभिकारक की घटने की दर उत्पाद की बढ़ने की दर के किस तरीके से जो है डिपेंड कर रही है, यही बात बस वो आपसे पूछना चाहता है, यही बात जो है आपसे पूछना चाहता है, अभिकारक के घटने की दर, ठीक है, और उत्पाद के बढ़ने की दर, बस इसी बारे में जानना चाहता है। तो सिखाया मैंने आपको, क्या दिया है आपको, आपको दिया है BrO3 माइनस प्लस 5 Br माइनस प्लस 6 H प्लस गिव्स 3 Br माइनस हो गई, 3 Br माइनस प्लस 3 H2, ठीक है, इसको सही कर लो, माइनस होगा, ओके। तो इसमें जो है अब आपसे वो पूछना चाहता है, अच्छा Br माइनस, ये Br2 होगा, Br माइनस नहीं, ये Br2 होगा, ठीक है। इधर देखो अब लिखना जरा, इसके लिए लिखो, ये रिएक्टेंट है, माइनस आएगा, माइनस d/dt BrO3, क्योंकि इसके आगे तो वन ही है। इधर देखो, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/5 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 1/6 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 1/3 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ Br2 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 1/3 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2
कंसेंट्रेशन ऑफ H2O, देख लो जरा। अब किस किस के बीच में रिलेशन पूछा है, Br2 और Br- के बीच में पूछा है, तो Br2 और Br- से ही बात कर लो। इधर आ जाओ, ये क्या है, -1/5 d/dt Br- बराबर होगा 1/3 d/dt Br2 के। ऐसे ही लिखोगे तो आपका d/dt Br2 बराबर हो जाएगा -3/5 d/dt Br-। और ये आपको C में नजर आ रहा है, d/dt ऑफ Br2 बराबर -3/5 d/dt ऑफ Br-। ये आपको C ऑप्शन में नजर आ रहा है। ये आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर C में, ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर C में, तो C इसका सही जवाब होगा। तो जिसका भी आया है C, तो C वालों का जो है बिल्कुल ही सही है, C ऑप्शन वाले बिल्कुल ही सही जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही सही है। चले अगले सवाल पर, बताओ जरा मजे आ रहे हैं सवाल करने में, बढ़िया है, इंजॉय कर पा रहे हो दिवाली सवालों के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उसको बताने की कृपा करें। 9th क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उसको बताइएगा फटाफट से, बताने की कृपा करें 9वें सवाल का जवाब। 9वें सवाल का जवाब बताने की कृपा करें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछ रहा है। ये तो मैंने बहुत सवाल करवाए हैं ना, जब पढ़ाया तब भी काफी सारे सवाल कराए इसके, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपसे पूछना चाहता है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर आपकी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है तो उसके लिए बताइए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो अगर आपका एन की वैल्यू जीरो है तो उसके लिए पूछ रहा है के क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपसे पूछना चाहता है फॉर एन इक्वल्स टू जीरो। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, कंसंट्रेशन की पावर 1-n टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन की पावर 1-n टाइम इनवर्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की पावर 1-n टाइम इनवर्स, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर करें तो कंसंट्रेशन होगी मोल पर लीटर, इसकी पावर 1-0 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स ये होगा। तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, ये कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका बिल्कुल सही। ए वाले जो हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन ढंग से ए वालों ने जवाब दिया, ए वालों का बिल्कुल ही सही है। अगला देखो द रेट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4, है ना, रेट जो है वो डिक्रीज कर रहा है किस फैक्टर से, 4 से। अगर कंसंट्रेशन बी की डबल होती है, अगर कंसंट्रेशन बी की डबल होती है, पहले लिख लो रेट को कैसे लिखोगे, रेट को आपको लिखना है, ये कोई ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको सिचुएशन दी हुई है, तो रेट को क्या लिखेंगे, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, ऐसे ही लिखेंगे। यही तरीका होता है वेग व्यंजक समीकरण को लिखने का, तो बस इसी तरीके से आपको वेग व्यंजक समीकरण को लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। अब क्या कहता है आपसे, आपसे कहता है कि अगर ए और बी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो रिएक्टेंट्स ए और बी का डिक्रीज कर जाएगा फैक्टर 4 से, अगर रिएक्टेंट बी को डबल कर दिया जाए, अगर रिएक्टेंट बी को मैं डबल कर दूं, अगर मैं इसको 2b कर दूं तो ये डिक्रीज करेगा किससे, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा,
ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा अगर मैं इसको दो गुना कर दूं, ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा अगर मैं इसको दो गुना कर दूं। तो पहली बात तो हमें ये पता चल गया कि इसको दो गुना करने से ये 1/4 टाइम्स हो रहा है, घट रहा है, 1/4 टाइम्स हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब नेगेटिव पावर पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब नेगेटिव पावर पे डिपेंडेंट है। और कितना डिपेंडेंट है, तो जब इसको दुगुना किया तो ये क्या हुआ, 1/4 हुआ। इसका मतलब 2 की पावर -2 हुई होगी, इसका मतलब 2 की पावर -2, इसका मतलब यहां पर बीटा -2 रहा होगा तभी ये 1/4 हो पाया होगा, तभी ये 1/4 हो पाया होगा। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी है वो -2 रहा होगा, क्या रहा होगा, -2। समझ आया ये वाला, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ आई ये वाली बात, कैसे हुआ ये समझ में आया, फटाफट से एक बार देखो जरा इसको, फिर से देखिएगा इसको, समझ आया, जल्दी से बोलिएगा, समझ आया ये, देखो क्या हुआ, ए और बी दो रिएक्टेंट थे, उनके लिए रेट लो एक्सप्रेशन आपने लिखी, तो रेट किसके बराबर हो गया, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा में उसने तब्दीली करी, ए को एज इट इज रखा, बी को उसने डबल कर दिया। जब उसने बी को डबल किया तो रेट 1/4 टाइम्स हो गया, बी को दुगना करने से रेट जो है 1/4 घट गया, बी को 2 टाइम्स करने से रेट जो है 1/4 टाइम्स हो गया। तो ऐसा हुआ, इससे पता चल रहा है कि पावर जो है वो माइनस रही होगी, पावर नेगेटिव रही होगी, तभी तो उल्टा घटा। और कितना घटा, तो 2 किया और 4 हुआ, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 रही होगी, इसका मतलब 2 की पावर 2 रही होगी, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए गिव्स बी, पहली है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ 0.01, ए की कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी, 0.01, इस वक्त जो है रेट कितना है, रेट दिया है 2×10⁻¹⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, हाफ लाइफ पूछी है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता कर लो कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, हाफ लाइफ तो हम तब निकालेंगे ना जब हमें ये पता होगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। हाफ लाइफ निकालने के लिए तो हमें यही पता होना चाहिए सबसे पहले कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो कैसे पता करेंगे ऑर्डर के बारे में, तो ऑर्डर के बारे में बता देगी यूनिट, देखो इसको, देखो यूनिट को, मोल पर लीटर पर सेकंड अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, किसके लिए होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका ऑर्डर तो हो गया जीरो, और जीरो ऑर्डर के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, R0 - R = kT, और ये क्या था, R0 - R0/2 = kT½, यही तो पढ़ाया था। तो R0/2k के बराबर होता है आपका t½, यही आया था फॉर्मूला, R0/2k के बराबर होता है t½, ठीक है। और यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.01, ठीक है। और आपसे जो है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, वो रेट नहीं दिया हुआ बेटा, ऐसे नहीं होगा, मैंने गलत उसको समझ लिया। देखो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी हुई है ए गिव्स बी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी हुई है ए गिव्स बी, तो रेट क्या होगा इसके लिए, रेट लो एक्सप्रेशन लिखो, के ए की पावर वन होगी, रेट बराबर होगा के ए की पावर वन, ठीक है। आप देखो आपको क्या दे रखा है, आपको रेट दिया हुआ है, कितना दिया है रेट आपको, 2×10⁻¹⁵
मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। और आपको क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है आपको कितनी, 0.01। कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01, तो यहां से के निकाल सकते हो, के निकाल सकते हो, ये मोल पर लीटर में रही होगी तो ये कट गया इसके साथ, तो आपका के किस में आ जाएगा, तो आपका के आएगा 2 × 10⁻⁵ अपॉन 0.01। तो 2 × 10⁵ डिवाइडेड विद ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100, तो ऊपर 100 चला जाएगा, तो × 10⁻2, तो 2 × 10⁻³, ये के आ गया, के आ गया 2 × 10⁻³ पर सेकेंड, ये आ गया आपका के। और टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए किसके बराबर होता है, टी हाफ किसके बराबर होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ तो जरा, तो टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के के बराबर, 0.693 अपॉन के के बराबर। और के क्या है, 2 × 10⁻³ पर सेकेंड, ऊपर ले जाओ इसको 0.3 और 2 × 8 और 2 × 12, तो 0.346 × 10³, तो 347 सेकेंड, 347 सेकेंड। पहले रेट लो एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके के निकालना था, पहले रेट लो एक्सप्रेशन को यूज करके के निकालना था, और रेट लो एक्सप्रेशन को यूज करके के निकाला, उसके बाद बच्चे क्या निकालना था, रेट लो एक्सप्रेशन को यूज करके के निकाला, उसके बाद आपको निकालना था यहां पर हाफ लाइफ, क्या निकालनी थी, हाफ लाइफ निकालनी थी, टी हाफ निकालना था, और टी हाफ किसके बराबर था, तो 0.693 अपॉन के बराबर था, बस उसको सॉल्व कर लिया। जब आपने उसको सॉल्व कर लिया तो यहां से आपका क्या आ गया, उसको सॉल्व करके यहां से आपका टी हाफ आ गया, उसको सॉल्व करके यहां से आ गया आपका टी हाफ, ठीक है, उसको सॉल्व करके यहां से आ गया आपका टी हाफ, और ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तो डी वालों का बिल्कुल ही सही है, डी वालों का सही है। अगला देखो, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज यूनिट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट दे रखी है लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये यूनिट दे रखी है रेट कॉन्स्टेंट की, ये क्या दे रखी है, ये रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट दे रखी है लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड रेट कॉन्स्टेंट की आपको यूनिट दे दी है। अब देखो, रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट मैंने क्या बताई थी, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स, यही बताई थी, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स, ठीक है। अब देखो जरा, n की वैल्यू क्या हो कि ये लीटर पर मोल हो जाए, ये लीटर पर मोल हो जाए, तो देखो 1 - 2, 1 - 2, n की जगह पर यहां पर रखकर देखिए 2, जब आप n की जगह पर यहां पर 2 रखकर देखेंगे तभी ये सिचुएशन पॉसिबल हो पाएगी कि लीटर पर मोल आएगा, ठीक है। तो मोल पर लीटर की पावर -1, तो तभी आपका मोल चला जाएगा -1 में और लीटर चला जाएगा 1 में, तो पर मोल लीटर तभी आएगा जब n को रखोगे 2, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, इस अभिक्रिया की कोटि होगी 2, इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि होगी 2, और इसके लिए आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो 12वें सवाल का जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, तो 12th का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बता दो जरा, समझ में आ गया, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, अब आप अपना जो है फेस्टिवल इंजॉय करो, ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपसे कल, वही जिस समय मिलती हूँ उसी समय ही, तो आज के सवाल आपको कैसे लगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करना है, पढ़ने पर भी ध्यान देना है, क्वेश्चंस करते हो तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी रहती है फेस्टिवल में, तब भी आप पढ़ाई कर सकते हो, तो न्यूमेरिकल्स करना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व इस वक्त में, क्योंकि थ्योरेटिकल वैसे तो नहीं पढ़ा जाएगा, है ना, क्योंकि घर में थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस रहता है त्यौहार पे,
तो आपको क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो डिस्टर्बेंस के साथ भी आप कर सकते हैं, सवाल तो कोई साथ में बैठा हो, कोई बात करे तो भी हो जाते हैं ना, तो भी हम कर पाते हैं ना कैलकुलेशन वगैरह। तो न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और इस टाइम का जो है लाभ उठाइए। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि तीन चार दिन जो है अभी तो मजे करते हैं, बिल्कुल किताबें बंद कर देते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, चीज़ों से जो है आपका जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी, फिर बड़ी दिक्कत होगी चार दिन बाद किताब उठाओगे तो इसलिए जो है फ्लो को ब्रेक नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, मोटिवेटेड रहना है, बढ़िया तरीके से जो है अपनी दिवाली मनानी है, ठीक है। और जो है अपना ध्यान भी, अपना ख्याल भी रखना है, क्योंकि फायर क्रैकर्स का काम होता है, और पॉल्यूशन जो है कम से कम कीजिए, ठीक है। और क्या करोगे, बढ़िया खुशी खुशी अपना फेस्टिवल मनाओ, और साथ में अपना जो है पेपर की भी थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए और बढ़िया से अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ सभी को दिवाली की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। तो सभी को मेरी तरफ से टाटा।